हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग का एमएस वर्ड का सीरीज चल रहा है, एक पार्ट चल रहा है। यदि आप वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि एकदम एमएस वर्ड एकदम शुरू से लास्ट तक, बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है, मतलब आप लोगों को बताया जा रहा है एकदम। तो यदि चैनल पर नए हो चैनल को जुड़ जाइए और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में? आज हम लोग होम टैब के अंतर्गत क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है इंडो और रीडो, वो ऑप्शन को हम जानेंगे, इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है, ये देख पा रहे हो ये वर्ड है यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन पोर्शन पूरा देख पा रहे हो आप लोग, इसी को बोलते हैं, देख पा रहे हो, जब हम इस कर्सर करेंगे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं इंडो और इसको बोलते हैं हम लोग रीडो। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की भी है, ठीक है, कंट्रोल जेड, और इसका जो देख पा रीडो उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल वाई, इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, या ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख पा रहे हो, पहले ये जो क्विक एक्सेस बार टूल बार है यहाँ पे देख पा रहे हो, एक पहला ऑप्शन जो देख पा रहे हो कंट्रोल सेव का है, ये इंडो का है, ये रीडो का है, ये टेक्स्ट का कुछ है, टेक्स्ट बॉक्स का है, और यहाँ पे एक कर्सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चार बटन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपके मन में कभी डाउट होता होगा कि यहाँ पे ये चार ही बटन ही क्यों है, यहाँ पे ये चार बटन ही क्यों है, इसमें पांच बटन क्यों नहीं है, छह बटन क्यों नहीं है, यहाँ दूसरा बटन क्यों नहीं है, इसमें आप लोगों को डाउट जरूर आता होगा। तो आप जो है अपने मुताबिक भी यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हो। जैसे हम ये कर्सर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हो, इतना ऑप्शन है, न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट, या जितना भी ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, अपने मुताबिक आप जो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरा अभी सेव पे सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सेव दिख रहा है, इंडो रीडो यहाँ पे सिलेक्ट है इसलिए इंडो रीडो, और एक टेक्स्ट बॉक्स है वो सिलेक्ट है इसलिए हम लोग का उतना ऑप्शन आप लोग दिख रहा है। तो अपने मुताबिक भी आप कर सकते हो। ठीक है, कभी आप लोग देख लेना, आप लोग अपने मुताबिक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम ओपन जैसे यहाँ डाल देते हैं तो देख पा रहे हो ऑप्शन बढ़ चुका है हम लोग का, देखो ये ओपन का बढ़ चुका है। इस तरह से आप यदि हम ईमेल का दे दें तो देखो ईमेल का भी बढ़ गया है। इस तरह से आप कर सकते हो, ऑप्शन लगा सकते हो अपने मन मुताबिक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना दूर समझ में आ गया होगा। फिलहाल चार बटन रखते हैं। तो हम लोग का मेन मकसद है ये जो देख पा रहे हो आप लोग इंडो और रीडो ऑप्शन को समझना। तो इसके लिए हम देखो यहाँ चार ही लिखे हैं, हम चारों को समझते हैं। इसको जो पहला पूरा पोर्शन को देख पा रहे हो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब ये पोर्शन जो देख पा रहे हो आप लोग, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले हम, इसको हम लोग ये कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। अब इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हम चार अलग अलग कमांड दिए हैं, यहाँ पे हम चार अलग अलग कमांड दिए हैं। ठीक है, चार अलग अलग कमांड दिए हैं। अब मुझे पता चला थोड़ी देर बाद काम करने से, मतलब किए इसके बाद हम लोग को पता चला यार ये जो किए हम लोग को ये सही नहीं लग रहा, हम जो मेरा पहले था वही हम लोग को करना है, अब क्या करें, बहुत समस्या है। तो बस कुछ नहीं, तब आप लोग को यहाँ पे ये ऑप्शन देख पा रहे हो, ये वाला इंडो वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आप लोग को ऑटोमेटिक पीछे होते जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे पहले हम ये किए थे हट गया, फिर एक बार क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे हट जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे हट जाएगा। इसका आप शॉर्टकट की भी लिख लो कंट्रोल जेड। ठीक है, क्या है, कंट्रोल जेड, देख पा रहे हो कंट्रोल जेड, आप ये भी लिख के याद रख लेना इंडो के लिए। अब फिर हम काम किए थोड़ा देर बाद, फिर हमको कोई बताया नहीं वो आपको ऐसे जैसा था आपके अभी वैसे ही होना चाहिए, फिर आप बोले इमा फिर समस्या हो गया, ये कैसे करना है, तब आपको आगे बढ़ाना है कि जैसे था आगे बढ़ाना है, तो आप फिर रीडो ऑप्शन क्लिक करो। ठीक है, ये रीडो जो आपको कंट्रोल वाई से कर, तो यहाँ क्लिक करो, फिर से आपका जैसे था वैसा हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग जो हिंदी भाषा बोलेंगे तो जैसे काम करेंगे, पीछे के लिए ये करना है, आगे के लिए ये करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना तो समझ में आ गया, ये सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, रीडो और ये बस ये सबको पता होता है, बट आप लोग को प्रोसेस यही है, मेन प्रोसेस आप लोग का यही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। इसके अलावा यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो यदि वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग का सीरीज चलने वाला है एमएस वर्ड का। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग से।